हेलो दोस्तों हो आप लोग दोस्तों आज मैं फिर आप सबके बीच एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जिस टॉपिक का नाम है नक्शा पर बने डायगोनल स्केल से नक्शा की जांच देखिए यदि आपको नक्शा की जांच करनी हो ना तो एक ये वाला टेस्ट यानी डायगोनल स्केल से टेस्ट और एक और टेस्ट के विषय में हम आपको बताए हैं दहला यानी दहला से हम किस प्रकार से नक्शा को जांच करेंगे इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसको बाद में देख लीजिएगा तो यह भी एक टेस्ट है एक डायगोनल स्केल स्केल नक्शा नक्शा में में बना होता है और उस में बने डायगोनल से हम लोग इस नक्शा की हम लोग जांच करेंगे कि यह नक्शा कितना हद तक सही है अगर सही नहीं है तो हम लोग नापी किस प्रकार करेंगे इस पर भी हम चर्चा करेंगे एकदम बारीकी के साथ ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है इसीलिए आप एकदम अंत तक देखिए और सारी बातों को समझने का प्रयास कीजिए अगर एक आप अमीन बनना चाहते हैं या फिर आप जमीन नापना सीखना चाहते हैं तो ये सब जांच जो है ना आपको जानना चाहिए ये सब जांच को जाने बिना अगर आप डायरेक्ट नक्शा लेते हैं गुनिया लेते हैं जरीब झोला में लेते हैं और चल देते हैं नापी करने के लिए भाई वो सही तरीका नहीं है आपको एकदम चीजों को सही से एनालाइज करना पड़ेगा क्योंकि आजकल एक बीता जमीन का भी बहुत ही ज्यादा वैल्यू हो गया है और उसी के चलते आजकल झंझटे होती है तो उसका भी अगर आपको निपटवारा करना हो तो ये सब जांच आपको एकदम पता ही होना चाहिए इसके पहले मैंने दहला जांच आपको बताया था और आज हम डायगोनल स्केल की जांच बताने जा रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण है अगर आपको ये अमीन वाला जो कोर्स है ठीक है अगर जमीन नापने के लिए सही ढंग से आपको सीखना है तो इसी चैनल पर मेरा एक प्लेलिस्ट भी है अमीन के कोर्स का वहां पर भी जाकर आप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हर वीडियोस को देख सकते हैं तो बहुत हद तक आप जो है सो सीख जाएंगे जमीन नापने के लिए देखिए आप अमीन बने बने या ना बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन भाई अगर सीख जाएंगे अगर मतलब एक महीना तक एका घंटा तो दो दो घंटा समय दीजिएगा और सीख जाते हैं नापी जोखी करने के लिए तो भाई वो तो काम ही देगा ना एजुकेशन कभी बर्बाद नहीं होता जो आपके अंदर में आ गया है जो भी ज्ञान है वो कभी जो है बर्बाद नहीं होता कहीं ना कहीं आपको काम देगा ही देगा इसीलिए देख लीजिएगा ठीक है और जमीन संबंधी जो है जानकारी रखिए बहुत काम देगा आपको ठीक है क्योंकि भाई बंटवारा संबंधी जमीन खरीद बिक्री संबंधी ये सब चीजें जीवन में होती रहेंगी आप ना करें आपके हो सकता है कि बाल बच्चे करें या आपके बाल बच्चा ना करें आप एक स्टूडेंट हैं आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं हो सकता है आपके माँ बाप या कोई और करे मतलब कुछ भी हो सकता है चलिए खैर हटाइए आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं उस पर अब आते हैं देखिए दोस्तों यह एक नक्शा है किसी मौजा का नक्शा है किसी गांव का नक्शा है ठीक है और देखिए हर नक्शा में इस तरह से आपको चीजें एकदम लिखी हुई मिलेंगी देखिए पर लिखा गया, लिखा गया मशहूर नाम चादर नंबर नंबर थाना थाना इतना हुआ है थाना ब, बगोदर, जिला रामपुर इस तरह करके जो है चीजें पैमाना जिला लिखा रहता है कब बना है नक्शा वो भी लिखा रहता है तो सारा चीजें यहाँ पर दर्ज होती है और यहाँ पर देखिए ये वाला चीज ये क्या है डायरेक्शन नॉर्थ लाइन को दर्शाता है ठीक है चलिए यहाँ पर इसको हम रेड से ये बोला जो आप देख रहे हैं ना इधर हो जाएगा नॉर्थ इधर साउथ इधर हो जाएगा ईस्ट इधर वेस्ट मतलब ऊपर में हो गया उत्तर नीचे हो गया दक्षिण इधर हो गया पूर्व इधर हो गया पश्चिम तो ये जो इधर खूंटी निकला हुआ रहता है ना इसको इधर बोलते हैं पूर्व ठीक है और जैसे पूर्व पता चला इधर पश्चिम हो जाएगा अपने आप अब पूर्व की ओर दहना हाथ खड़ा करके रहिए और पश्चिम को और बाया तो आगे की ओर आपका उत्तर हो जाएगा नीचे दक्षिण हो जाएगा तो इस तरह से चीजें होती है पहले तो ही चलिए तो ये हो गया दोस्तों अब देखिए इसी तरह से नक्शा में आपको डायगोनल स्केल भी छपा मिलेगा देखिये डायगोनल स्केल डायगोनल स्केल हालांकि औजार होता है यहां पर मेरे पास इधर ही था है नहीं लेकिन हम आपको डायगोनल स्केल के विषय में भी हम वीडियो बनाए हैं आप देखे होंगे मुझे उम्मीद है अच्छा रुकी हम दिखा ही देते हैं आपको देखिए यहाँ पर इसमें औजार है मेरा एक्चुअली ठीक है देखिए ये है डायगोनल स्केल ठीक है ये देखिए ये ये टॉक है प्लास्टिक कलर का है ठीक है ये राइटिंगल है फिर देखिए ये स्केल है ये फिट गुनिया है प्रकाल रहता है ठीक है बहुत सारी चीजें रहती सारी है बहुत सारे औजार हैं लेकिन हम डायगोनल स्केल का अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं तो देखिए इस तरह से डायगोनल स्केल रहता है इंच लंबा ठीक है और लगभग दो इंच चौड़ा क्लियर तो इस तरह से डायगोनल स्केल रहता है और हम लोग किसी भी प्लॉट का नापी जोखी करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं और यही डायगोनल स्केल का जो चित्र है ना दोस्तों इस नक्शा में भी छपा होता है अब कहिएगा क्यों छपा होता है तो

इसका भी प्रयोग करके इसको भी हम नाप जो करके ये बता सकते हैं कि नक्शा कितना हद तक सही है या फिर गलत है क्योंकि भाई सर्वे हुआ है हम इंसान हैं गलतियां होना आम बात है ऐसा नहीं सोचिएगा कि सर्वे हुआ था तो एकदम एग्जैक्ट हुआ था जरा सा हेरा फेरी नहीं भाई बहुत हेरा फेरी हुआ है इसी के चलते जो है अमीन लोग भी परेशान रहते हैं लेकिन बहुत हद तक जो इंटेलिजेंट अमीन है चीजों को समझते हैं एनालाइज करते हैं और बहुत हद तक जो है निदान की ओर पहुंच जाते हैं ठीक है ये बात भी है चलिए खैर दोस्तों अब इस डायगोनल स्केल को चलिए इस डायगोनल स्केल को थोड़ा सा यहाँ हम बड़ा चित्र के रूप में बनाते हैं ताकि चीजों को आपको हम सही ढंग से समझा पाए देखिए दो इंच जो है चौड़ा होता है दो इंच चौड़ा ठीक है हम हाथ से ही बनाते हैं क्योंकि सीधा लाइन खींचना बहुत ही कठिन है भाई फिर भी सीधा नहीं खिंचाएगा हमको पता है लेकिन क्या कीजिएगा ठीक है ये इस तरह से उसके बाद में दोस्तों ये इस तरह से रहेगा फिर इस तरह से जो भी है ठीक है आपको समझना है केवल फिर तो नहीं गिरना गिरना है मंगनी बैल का क्या बोलते हैं दांत नहीं गिनना चाहिए नहीं तो और महंगा पड़ सकता है चलिए ये हो गया दोस्तों अगर इसकी लंबाई देखें यहां से लेकर के यहां तक तो वो है सिक्स इंच ठीक है एकदम मार्क यहीं से किया रहेगा हालांकि थोड़ा सा ज्यादा रहता है इधर हल्का सा ज्यादा रहेगा इस तरह से बना रहेगा लेकिन बात यह है कि भाई हम आपको सिखा रहे हैं तो जहां से से मार्किंग रहेगा वहीं से हम लेंगे ठीक है क्योंकि थोड़ा सा बॉर्डर भी किनारा भी रहता है ताकि जो है घिस उसके छोटा ना हो जाए ये सब का भी ध्यान रखा जाता है कंपनी वाले ध्यान रखते हैं कंपनी वाला क्या भाई ध्यान रखना तो जरूरी है और ये लगभग में दो इंच होता है अब दोस्तों यहाँ पर तीन खंड कर दिए दो दो इंच का जो अगर छ इंच है तो दो इंच दो इंच दो इंच अब दोस्तों इसमें जो है इसमें बहुत सारे डायगोनल बने होते हैं ठीक है चलिए यहाँ पर हम दस बिंदु देते हैं पहले ठीक है यहाँ पर एक हो गया दो तीन चार पाँच छ सात आठ नहीं गड़बड़ आ गया ठीक है फिर से इसको हम लेंगे थोड़ा छोटा छोटा करके यहाँ लेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ये हो गया फिर यहाँ से होगा एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस थोड़ा सा इधर छोटा हो गया ना यहाँ ये करेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस इस तरह से हो गया अब दोस्तों यहां पर देखिए डायगोनल खींचा जाएगा क्या खींचा जाएगा डायगोनल अब देखिए डायगोनल किस तरह से ये वाला जो यहाँ फर्स्ट बिंदु है ये वाला ठीक है ये इधर वाला जो एकदम किनारा है उसको लेंगे और सीधा यहाँ पर ये जो दूसरा बिंदु है उसके साथ हम मिला देंगे इस तरह से थोड़ा सा एकदम टेढ़ा रहेगा ठीक है डायगोनल नाम पड़ा क्योंकि डायगोनल खींचा जा रहा है इसमें फिर ये वाला जो है इससे मिलेगा ठीक है ये वाला हो इससे मिलेगा ये वाला जो है दोस्तों इससे मिलेगा ये वाला इससे मिलेगा यहाँ यहाँ देखिए हमसे टेढ़ा मेढ़ा भी बन सकता है ठीक है भाई हम मशीन थोड़ी ना है इंसान है ना नहीं बोले इंसान है गलतियाँ हो ही जाएंगी कितनों कहिएगा गलती नहीं होगा कोई पचास साल से कोई ड्राइवरी कर कर रहा है और बोलेगा कि हमसे कभी एक्सीडेंट नहीं होगा तो हम नहीं मानने वाले हैं तो इस तरह से दोस्तों बनी होती है यहां पर देखिए दस खंड है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस और हर खंड खंड में जो है लंबाइया अगर देखें तो एक जरीब होता है यहाँ पर ये एक खंड जो दिख रहा है ना वह एक जरीब होता है हालांकि डायगोनल स्केल में दोस्तों यहाँ पर गुनिया भी ऊपर साइड में थोड़ा सा और ये दो इंच से बड़ा रहता है तो ऊपर साइड में यहाँ पर गुनिया भी बना रहता है दो इंच का ठीक है यहाँ पर अगर गुनिया नहीं लेके जाएंगे तो डायगोनल स्केल से भी काम चला सकते हैं लेकिन डायगोनल स्केल से हम पढ़ा नहीं रहे लेकिन थोड़ा बड़ा मोटा मोटी जानकारी आपको हम दे दे रहे हैं ताकि आप समझ सकें चलिए दोस्तों अब यहाँ पर जो है इस तरह से भी दस लाइनें खींची हुई रहती है ठीक है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे ऐसे लगाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ठीक है अब इस तरह से जो है सीधा मार का मारा हुआ रहेगा इसी को बनाने में तो हमें लेट हो जा रहा है हालांकि हमें पहले ही बना के रखना चाहिए था क्या बोलें देखिए टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है हम पहले ही बता दिए हैं आपको ठीक है टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है लेकिन जो समझाएंगे वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहेगा वो सीधा सीधी रहेगा भाई इस तरह से दोस्तों ये होगी आपका डायगोनल स्केल वेरी इंपॉर्टेंट स्केल है ये ठीक है चलिए अब यहां पर देख रहे हैं कि बहुत सारा स्क्वायर आपको दिख रहा होगा हर स्क्वायर का जो भुजा की लंबाई जो होती है ना वो एक जरीब की होती है एक जरीब के हैं तो सौ कड़ी का ठीक है और भाई यहां से लेकर के यहाँ तक अगर दो इंच है तो भाई दो इंच में कितना होता है दस जरीब होता है सिंपल सी फंडा है भाई जो गुनिया होता है गुनिया वो मतलब दस जरीब का होता है यार उसकी लंबाई दो ही इंच होती है ठीक है तो यहां से यहां अगर दस है तो कुल मिलाकर कड़ी जो, जो रहता है ना चेन उसमें सौ कड़ियां लगी हुई रहती है देखिए यहाँ पर जरीब भी रखा हुआ है आपको दिखा देते हैं ठीक है देखिए इसको बोलते हैं जरीब इसको एकदम फैलाइएगा इसमें सौ कड़ी रहता है ठीक है चलिए खैर हटाइए अमीन का को कोर्स कीजिएगा तो ये सारा चीज़ समझ में आ जाएगा अब बोलेगा भाई कोर्स कहाँ पर होता है तो भाई मेरा एक अप्लीकेशन है जीनियस मेकर नाम का वहीं पर कोर्स होता है लेकिन आपको वहाँ पर परचेस करना पड़ेगा खरीदना पड़ेगा क्योंकि फ्री का चीज़ आप समझ सकते हैं कि क्या होता है क्योंकि वहाँ पर सर्टिफिकेट भी दिया जाता है खर्च ज़्यादा है क्योंकि भाई वो सर्टिफिकेट आपके लाइफ में काम देगा तो सारा चीज़ होता है उसमें आप वहाँ पर जा के संपर्क कर सकते हैं और हेल्पलाइन नंबर है ट्रिपल सेवन डबल नाइन एट जीरो सेवन जीरो एट इस पर कॉल करके भी आप चीजों को पूछ सकते हैं ठीक है कि क्या है कोर्स किस तरह से करना है क्या क्या नहीं करना है चलिए चलिए दोस्तों यहां पर चलते हैं यही डायगोनल स्केल जो है ना यहाँ पर नक्शा में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ है ये चौड़ाई जो है ना हो सकता है कि कम बना हो लेकिन यह लंबाई जो है स्पष्ट रूप से आपको बना मिलेगा ठीक है अब दोस्तों देखिए यहां पर हम जानते हैं कि एक खंड में होता है एक जरीब एक खंड में कितना होता है एक जरीब होता है ये हमको पता है। तो यहां पर जो नक्शा में जो बनाया गया है डायगोनल स्केल या तो ये एक जरीब से कम होगा हर खंड या तो एक जरीब से ज्यादा होगा या फिर आप अगर आप मोटा मोटी अगर आप मेजरमेंट करना चाह रहे हैं कि भाई ये नक्शा किस हद तक सही है क्या है तो आप सीधा सीधी यहां पर देखिए जब यहां से लेकर के यहां तक हो रहा है दस जरीब तो भाई जो नक्शा में जो बनाया गया है या तो दस जरीब होगा या तो दस जरीब से ज्यादा साढ़े दस जरीब हो सकता है ग्यारह जरीब हो सकता है या फिर कम हो सकता है साढ़े नौ जरीब नौ जरीब मतलब कि एक हजार कड़ी होना चाहिए था हो सकता है कि साढ़े नौ सौ कड़ी हो ग्यारह सो कड़ी हो साढ़े दस सौ कड़ी हो कुछ भी हो सकता है तो यहाँ पर क्या क्या कंडीशन होंगे यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर स्थितियां क्या बनती है सो थोड़ा देख लीजिए स्थितियां कंडीशन क्या होती है सबसे पहला कंडीशन क्या है सबसे पहला कंडीशन क्या है दोस्तों यहां पर जो है डायगोनल स्केल में दस जरीब का जो वैल्यू है वो ज्यादा हो मतलब दस जरीब से ज्यादा हो सकता है मतलब आप कह सकते हैं कि यहां यहां दो इंच की लंबाई दो इंच की लंबाई मतलब यहां से लेकर के यहां तक या फिर आप कह सकते हैं कुल मिलाकर के दस खंड दस खंड की कुल लंबाई जो है वो दस जरीब से ज्यादा हो सकता है दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है या फिर दसों खंड रखिए, दसों दसों खंड की कुल लंबाई जो है लेस देन दस जरीब हो सकता है तीसरा क्या हो सकता है दसों खंड की कुल लंबाई जो है इज इक्वल टू दस जरीब हो सकता है ये तीनों कंडीशन में कुछ भी हो सकता है ठीक है या तो ये जो दसों खंड है भाई इसकी जो टोटल लंबाई है टोटल जो लंबाई दस जरीब है या तो इससे ज्यादा होगा या तो फिर कम होगा या तो फिर बराबर होगा ये सिंपल सी फंडा है अगर दोस्तों बराबर रहता है अगर यहां पर देखिए बराबर रहता है तो फिर आपको समझ लेना है कि नक्शा अपने जगह पर ठीक है, है आपको ठीक होने की जरूरत है आपको अब नापी करने की जरूरत है मान के चलिए कि यहां पर आपको इस प्लॉट को नापना है मोटा मोटी मान के चलते हैं कि आपको यहाँ पर कोई भी प्लॉट हम उठा लेते हैं सपोज है, ये, है, है? ये, है है, है? ये जो प्लॉट है आपको नापी करना है ठीक है तो अगर दस जरीब आ गया भैया यहाँ से आप देखिए गुनिया की मदद से नाप करके कि भाई दस जरीब होता है कि नहीं होता है अगर हो जाता है तो बल्ले बल्ले नो टेंशन नो प्रॉब्लम आप नापी कीजिए जिस तरह से नापी करना है क्षेत्रफल निकालना है मुस्तकिल से आपको चलना है नापी करते करते इस स्थान पर पहुंचिए और इसको वेरीफाई कीजिए कोई दिक्कत नहीं परंतु दोस्तों परंतु यदि यह पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन रहे तब फिर आपको कैलकुलेशन करना होगा अगर 10 जरीब से ज्यादा हो गया 10 जरीब से ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे सबसे पहला कंडीशन लिखेंगे दोस्तों 10 या फिर खंड की कुल लंबाई ग्रेटर देन, दस जरीब दस जरीब कहे तो एक हजार कड़ी दोनों बात बराबर है ठीक है क्योंकि दस कड़ी में मतलब एक जरीब में होता है चूंकि एक जरीब बराबर होता है एक सौ कड़ी तो दस जरीब है तो एक सौ से गुना कीजिएगा तो एक ही हजार होगा एक हजार कड़ी मान के चलिए दोस्तों यहां पर एक प्लोट है क्या है एक प्लोट है आयताकार प्लोट ही लेते हैं बाकी बात आप समझदार हैं समझ जाएंगे इसी चीज को सब जगह फॉलो करना है मोटा मोटी मान लीजिए कि भाई जब आप नक्शा में मापे जब नक्शा में आप मापे इस प्लोट की लंबाई तो आ गया सपोज कीजिए तीन कड़ी कितना आया 380 कड़ी और चौड़ाई आ गया 250 कड़ी ओके okay, कोई दिक्कत अब दोस्तों नक्शा में चुकी डायगोनल स्केल भी बना हुआ है तो डायगोनल स्केल के भी आप जो है डायगोनल स्केल भी पर क्या है बना हुआ है तो डायगोनल स्केल को भी जांच किए तो यहां से लेकर के यहां तक का जो लंबाई है वो आ गया एक हजार साठ कड़ी अब यहां से लेकर के यहां तक एक हजार साठ कड़ी अब इस प्लॉट का जो लंबाई चौड़ाई है उसमें तो अब चेंजिंग होगा क्योंकि भाई नक्शा यहाँ पर बता रहा है थोड़ा सा रॉन्ग यानी नक्शा थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया है होना चाहिए था दस जरीब यानी एक हजार करी लेकिन यहाँ पर भैया ये हो गया है, एक हजार साठ करी मतलब नक्शा थोड़ा बढ़ गया है जमीन तो बढ़ेगा नहीं जमीन तो जो है सो रहेगा अब नक्शा बढ़ गया है तो नापी भी आपको यहां पर बड़ा मिल गया है अब नापी अगर बड़ा मिल गया है तो छोटा करना आपको काम है अब इतना भी छोटा नहीं करना है कि जो इसका रेयत होगा भैया उसको नुकसान हो जाए ठीक है मतलब रूल रेगुलेशन है, उसको करना है कुल ठीक है तो यहां पर दोस्तों वास्तविक लंबाई अगर देखा जाए वास्तविक लंबाई दोस्तों होना कितना चाहिए था होना कितना चाहिए था एक हजार कड़ी। इसकी लंबाई एक हजार कड़ी होना चाहिए था लेकिन है कितना? एक हजार साठ हमेशा जितना होना चाहिए उसको ऊपर लिखेंगे और जितना आया मापी में उसको हम नीचे लिखते हैं बस ये वाला फैक्टर अगर आपको पता हो गया ये वाला फैक्टर बाकी बस जो भी मेजरमेंट में आता है इसी से गुना कर दीजिए वही वास्तविक लंबाई वही वास्तविक चौड़ाई वही वास्तविक जो कुछ भी आपके हैं ठीक है तो यहाँ लंबाई एक्चुअली निकाल रहे हैं तो लंबाई तो यहाँ पर तीन सौ अस्सी है तो यहाँ पर तीन सौ अस्सी बैठा देंगे यही हो गया वास्तविक लंबाई ठीक है एक बार और समय लें इसको अच्छा से अब बोलेगा कि एक हजार ऊपर और एक हजार साठ नीचे देखिए इसमें कई लोग कंफ्यूजन करते हैं इसमें या फिर एक हजार साठ ऊपर और एक हजार नीचे कभी ये वाला तो कभी यूज करना उनको आता ही नहीं है भैया आपको हमें एक तरीका बताती एकदम छोटा सा तरीका एकदम एक बार एक अगर माइंड में सेट कर लिए तो कभी जीवन में नहीं भूलेंगे ठीक है क्या बता रहे हैं सुनिए थोड़ा देखिए होना कितना चाहिए था एक हजार हो कितना गया है नक्शा में एक हजार साठ मतलब नक्शा बढ़ गया है अरे भाई जब नक्शा बढ़ गया है एक्सपेंड कर गया है तो सिंपल सी फंडा है कि ये जो लंबाई चौड़ाई है जितना नक्शा में दिख रहा है उतना रियल में नहीं होगा उससे तो कम जरूर होगा नक्शा बड़ा बन गया है तो आप गुनिया से जो है नक्शा में आप माप रहे हैं माप रहे हैं भैया तो नक्शा में जब आप गुनिया की मदद से मापिएगा तो ज्यादा ना आ जाएगा तो ज्यादा आ गया दोस्तों इसको हमको कम करना है अब कम करना है तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए बताइए एक हजार बड़ा है ए, ये वाला चीज बड़ा ए, ये वाला टर्म बड़ा है कि ये वाला टर्म बड़ा है सिंपल सी बड़ा है कि ये वाला टर्म बड़ा है ये वाला टर्म बड़ा है और ये वाला छोटा है हमको क्या करना है छोटा करना है तो भाई गुना करना है ताकि हो जाए। ये है, अगर एक हजार बट्टा एक हजार साठ यहाँ जो है गुना तीन सौ अस्सी से करेंगे तो ये फिक्स है ये जो तीन सौ अस्सी कड़ी है ना वो तीन सो अस्सी ना रह करके उससे कम हो जाएगा ज्यादा जीवन में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ऊपर में कम संख्या है अंश जो है छोटा है हर से ठीक है तो यहाँ पर भाग देने पर जीरो पॉइंट नाइन नाइन समथिंग आएगा मतलब एक से कम आ रहा है अब एक से कम संख्या से अगर हम किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो उसको छोटा कर देता है एक से अगर बड़ी संख्या रहेगी जैसे मान के एक हजार था या था अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो वन पॉइंट जीरो आएगा देखिए एक से तो ज्यादा है अब एक से अगर ज्यादा है अगर गुना करेंगे तो तीन सौ अस्सी से ज्यादा आएगा भाई हमको कम नहीं लाना है कम क्योंकि ये नक्शा बढ़ गया है भाई एक्सपेंड कर गया है हमको चीज को छोटा करना है तो छोटा वाला टर्म से गुना करेंगे ठीक है यही आपको तरीका केवल याद रखना है बाकी बात कुछ भी नहीं है इसमें जान है भाई कुछ भी नहीं है ठीक है बस हम कमजोर से कमजोर बंदा को समझाना चाहता हूं इसीलिए जो है इतना मैं लेक्चर देते रहता हूं ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता है कई लोग कमेंट करके कहते हैं कि लंबा वीडियो हो जाता है आपका लेकिन क्या करूं सबका दिमाग सबका यहां पर मेटेरियल एक जैसा भरा हुआ नहीं है वेरिएशन है सबको लेकर के चलना है सबको देख करके चलना है ठीक है तो इसलिए चलिए अब दोस्तरे तो यहाँ पर कट छट कीजिए एक जीरो एक जीरो कट गया ओके अब यहाँ पर दो से काटिए तो है दो पचास दस दो तीन छः से काटिए दो एक कम दो दो ना सही मारा है समझ में आ रहा है ठीक है अब ये क्या कीजिए यहाँ पर गुना कर दीजिए तो एक हजार को गुना उन्नीस से करेंगे तो यहाँगा उन्नीस हजार अब मत काटिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं और यहाँ फिफ्टी थ्री अब यहाँ पर उन्नीस हजार को फिफ्टी थ्री से डिवाइड कीजिए जितना आएगा उतना अगर अभी आपको नहीं करना है तो इतना कड़ी ये वास्तविक लंबाई हो गया उन्नीस हजार बटा तिरपन वास्तविक लंबाई हुआ अगर डिवाइड करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कहा कि मेरा मोबाइल फोन क्योंकि तो हम भागा जानते नहीं है इसीलिए जो है सो हम डिवाइड करेंगे मोबाइल फोन से कितना है उन्नीस हजार डिवाइडेड बाय फिफ्टी थ्री सौ अंठावन दशमलव चार नौ यानी कुल मिलाकर के इसको हम बोल सकते हैं तीन सौ अंठावन दसमलव में चार नौ है तो डायरेक्टली हम पांच लिख सकते हैं इतना कड़ी मतलब कि दोस्तों बात ये है कि तीन सौ अस्सी कड़ी जो हम नापे है ना नक्शा में उतना नहीं है रियल में जमीन पर तीन सो अंठावने कड़ी है अब बताइए अगर कोई अमीन ये सोचे कि हम बिना नक्शा को जांचे हुए हम नापी कर देंगे तो कहां से कर पाएगा वो जीवन में नहीं कर पाएगा और गलती करेगा हालांकि आदमी उसको सही मान ले कि हाँ भाई अमीन साहब तो तो आप तो बहुत अच्छे नापी करके दिए कुछ भी है लेकिन भाई गलती है वहां पर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है आप समझा नहीं पा रहे हैं ठीक है आप तीन सौ अस्सी कड़ी नक्शा पर देखें तीन सौ अस्सी कड़ी उसको नाप के दे रहे हैं इधर उधर घटा बढ़ा दिए कहां बेचारा उन लोग परेशान होगा बाद में और इसको निकाल के दे रहे हैं भैया उसको मिलेगा आप तीन सौ अंठावन कड़ी या हो सकता है ज्यादा भी मिल सकता है अगर यहाँ पर पैमाना अगर छोटा हो जाए तो ज्यादा मिलना चाहिए ठीक है अभी समझाएंगे उसके ऊपर भी आएंगे चलिए हो गया वास्तविक लंबाई आप दोस्तों हम बात करेंगे ठीक है वास्तविक चौड़ाई के ऊपर वास्तविक चौड़ाई बस यही चीज़ जो ऊपर में लिखे एक हज़ार बट्टा में एक हज़ार साठ वही क्योंकि चौड़ाई भी भाई छोटा ही होगा दो सौ पचास नहीं रहेगा इससे कम ही रहेगा ठीक है काटिए कट गया अब यहाँ पर जो है डायरेक्ट गुना कर दीजिए या फिर जो है डायरेक्ट डिवाइड करके कितना आता है हम देख लेते हैं ठीक है यहाँ गुना कितना है पच्चीस आ जाएगा क्योंकि पच्चीस गुना से पच्चीस होगा डिवाइडेड बाई कितना से करेंगे एक से करेंगे तो आगे दो सौ पैंतीस दो सौ दोस्तों ओके चलिए अब यहां पर क्या करना है आपको क्षेत्रफल निकालना है एरिया अब जब यहां पर आयता आर प्लोटे एरिया बराबर होता है एल गुने बी तो यहाँ पर एल कितना है भैया तीन सौ अंठावन दशमलव में पांच है और यहाँ बी कितना है 253 दशमलव में 8 है अब दोनों को गुना कर दीजिए वही भाई क्षेत्रफल हो जाएगा वही क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा चलिए गुना करते हैं 381 दशमलव में 5 तो जाएगा 48 हजार 511 दशमलव 8 तो 508 कर देंगे बावन। इतना वर्ग कड़ी है इसीलिए स्क्वायर में होगा वर्ग में होगा वर्ग कड़ी ठीक है अब इसको दोस्तों डिस्मिल तो में कन्वर्ट करना है तो तीन अंक के बाद दसमलव बैठा दीजिए तो वही चौरासी दसमलो में पांच पांच दो डिसमिल हो जाएगा तीन अंक के बाद डायरेक्ट दसमल बैठा देंगे तो मतलब चौरासी डिसमिल 552 वर्ग कड़ी आप इसको कह सकते हैं ठीक है कोई दिक्कत चौरासी 84.552 वर्ग कड़ी अब इसको कठ्ठा दूर बिघा जिसे बदलना है हेक्टेयर एयर जिसे बदलना है बदल सकते हैं वीडियो हम बनाए हुए हैं कन्वर्शन के ऊपर ये तो हो गया दोस्तों पहला कंडीशन एक और कंडीशन हो सकता है दूसरा 100 खंड की कुल लंबाई लेस देन 10 जरीब का एक हजार कड़ी का हो ठीक है एक हजार कड़ी से कम हो चलिए हम प्लॉट लेते हैं वही वाला जो मैंने पहले लिया था कितना है तीन सौ अस्सी दो सौ पचास तीन अस्सी कड़ी और दो सौ पचास कड़ी भाई नक्शा में अगर ये प्लॉट है तो नक्शा में डायगोनल स्केल भी बना मिलेगा आपको ठीक है जो भी है जब यहां से लेकर के यहां तक नापी किए तो पता चला कि ये तो नौ सौ पचास कड़ी है ठीक है अब क्या होगा भाई नक्शा इसका मतलब थोड़ा सा कॉम्प्रेस्ड हो गया थोड़ा सा छोटा हो गया है अब भाई जब छोटा आया है तो जितना हम नापे है ना वो एक्चुअल लंबाई जमीन पर नहीं है उससे ज्यादा होगा क्योंकि नक्शा थोड़ा छोटा बन गया है और जब नक्शा छोटा बन गया है तो जो भी हम मापी करेंगे गुनिया की मदद मतलब से नक्शा में वो रियल मापी नहीं होगा वास्तविक मापी कुछ और होगा उससे बड़ा होगा ये कन्फर्म है हम बस केवल इससे हम पता कर लेते हैं अगर छोटा निकलेगा तो जमीन पर हमें बड़ा करना पड़ेगा जितना नक्शा में है छोटा अगर मिला तो उसको बड़ा करना है अगर बड़ा मिला एक हजार से तो उसको छोटा करना है बस यही आपके पास रूल होना चाहिए चलिए दोस्तों यहां पर वास्तविक लंबाई फिर से लिखेंगे वास्तविक लंबाई बराबर में सिंपल सी फंडा है भैया एक हजार हम बोले हैं आपको कि जिस जितना होना चाहिए उसको ऊपर लिखेंगे बाकी बात जो है नीचे घुसेड़ देंगे ठीक है अब देखिए एक हजार ऊपर नीचे नौ सौ पचास है एक हजार से यह देखिए यहाँ पर हर जो है डिनोमिनेटर जो है बड़ा मतलब छोटा है तो भाई सिंपल सी फंडा है कि एक से बड़ा ही आएगा रिजल्ट जब एक से बड़ा आएगा तो जो भी यहाँ संख्या गुना करेंगे उससे बड़ा ही मिलेगा हमको यानी अगर 380 यहाँ पर आ जाता है अड़तीस अड़तीस हजार को पंचानवे से डिवाइड कर दीजिए देखिए कितना आता है ऐसे डिवाइड करना आपका काम है ये बच्चों का खेल है ठीक है इसीलिए हम जो मोबाइल से तुरंत कर दे रहे हैं कितना हो जाएगा अड़तीस डिवाइडेड बाय हो जाएगा नाइन तो आया दोस्तों चार 400 चार जमीन पर जो है ना आपको 400 कड़ी चलना पड़ेगा 380 कड़ी भले ही आपको दिख जाए नक्शा में लेकिन 400 कड़ी चलना पड़ेगा ये आपको कौन बताया ये बताया डायगोनल स्केल, ठीक है चलिए अब यहां पर वास्तविक चौड़ाई की हम बात करते हैं वास्तविक चौड़ाई की एक हजार ऊपर नौ सौ पचास नीचे गुना में हो जाएगा दो सौ पचास एक जीरो एक जीरो कट गया पांच पचे पच्चीस और पांच एकम पांच पचनवा पैंतालीस ओके तो ऊपर में पांच गुना यानी पांच हजार डिवाइडेड बाय हो जाएगा उन्नीस तो दो सौ तिरसठ दशमलव एक पांच आ जाते मतलब कुल मिला करके आप दो सौ तिरसठ कड़ी मान सकते हैं ओहो दो सौ तिरसठ कड़ी

ये इस तरह से लेकिन चित्र जो है थोड़ा सा बन गया है ये इस तरह से भैया मतलब चिजवा तो सेम है लेकिन यहाँ पर बड़ा दिख रहा है यहाँ पर छोटा दिख रहा है तो भाई रियल में अगर ये चीज है तो भैया इस, इस रूप में हमें लाना होगा ठीक है तो ये सब बातें हैं खैर चलिए हटाइए तो ये हो गया दोस्तों अब मान के चलिए एरिया निकालना है तो यहाँ हो जाएगा चार सौ गुना में हो जाएगा दो सौ तिरसठ ठीक है अब यहाँ गुना करिए चार बारह के दो हाथ में बच गया एक चार छ चौबीस और एक पच्चीस हाथ में दो चार दून आठ और एक दस और यहाँ डबल जीरो इतना वर्ग कड़ी कितना आया एक लाख पांच हजार वर्ग कड़ी अब डिस में कन्वर्ट कर करना है तो यहां कितना हो जाएगा एक सौ पांच दशमलव दो जीरो जीरो डिसमिल तो एक सौ पांच डिस और दस मलों के बाद अगर तीन अंक है तो इसको आप वर्कड़ी कह सकते हैं 200 सौ वरकड़ी एक सौ पांच डिसमिल दो सोकड़ी तो इस तरह से दोस्तों उस जमीन का क्षेत्रफल होगा तो मुझे उम्मीद है कि कि आप समझ गए होंगे भाई अगर खंड बड़ा रहेगा तो फिर किस तरह से हम लोग नापी करेंगे और अगर छोटा हो जाता है तो फिर किस तरह से नापी करेंगे रियलिटी में ये सब वास्तविक चीजें हैं ये वास्तविक लंबाई है वास्तविक चौड़ाई है और हाँ ये सब चीजें हो रही है कब जब पैमाना है 16 इंच बराबर एक मिल के पैमाना पर मतलब कि औजार जो है वो 16 इंच बराबर एक मिल के पैमाना पर बना हुआ है और साथ में नक्शा भी 16 इंच बराबर एक मिल के पैमाना पर बना हुआ है तब ये चीजें हो रही है लेकिन यदि नक्शा पर पैमाना चेंज हो जाए तो फिर इसका भी आपको इलाज बताए हैं मलेरिया के साथ टाइफाइड भी हो जाए तो इसका भी इलाज आपको बता दिया गया है लेकिन कीजिएगा तब तो ठीक है पहचानना आपको काम है अब मान के चलिए नक्शा मिल गया चौरसठ इंच वाला भाई मेरे पास है तो सोलह इंच वाला औजार उसी से हम नापी चुपी कर रहे हैं ठीक है तो अब क्या होगा भाई सोलह चौकी चौरसठ चार गुना बड़ा है नक्शा इसका मतलब तो यहां पर जो भी वास्तविक लंबाई और वास्तविक चौड़ाई आएगा ना उसको चार से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि नक्श जो पैमाना है वो चार गुना ज्यादा है तो जो भी वास्तविक इसमें नहीं कीजिएगा वास्तविक में कीजिए तो यहां पर भी करके कर सकते हैं चीज सेम होगा यहाँ डिवाइड कीजिए यहाँ डिवाइड कीजिए बात बराबर हो जाएगा लेकिन आपको यहाँ पर करना है जो भी वास्तविक आया है उसको चार से डिवाइड कर दीजिए आया जो रिजल्ट वही वो भी रियल लंबाई होगा वो रियल चौड़ाई होगा ठीक है समझ में आ रहा है अगर 32 इंच वाला नक्शा मिल गया तो क्या करना है सोलह दूनी बत्तीस पैमाना बना होता है सोलह इंच में नक्शा है बत्तीस इंच यानी दुगुना है मतलब कि जो भी यहाँ पर रियल आ रहा है ना इसको दो दो से डिवाइड कर दीजिए जैसे यहाँ चार सौ कड़ी है तो दो सौ कड़ी आएगा या दो सौ तिरसठ है तो जो भी आएगा एक सौ पच्चीस कितना आएगा अट्ठाईस तीस जो भी आएगा ठीक है तो इस तरह से आपको करना है और इसमें आपको बता चुके हैं ये सब जो घटना एकदम आराम से हो रहा था ये सब सोलह इंच में पैमाना भी बना हुआ है सोलह इंच बराबर एक मिल में और नक्शा भी सोलह इंच बराबर एक मिल में बना हुआ है तो ये सब चीजें चल रही थी लेकिन बत्तीस और चौरसठ वाला आ जाए तो क्या दिक्कत है कुछ भी दिक्कत नहीं है हम ब्लू पेन से लिखते लिखते जो है सब कुछ सीख लिए हैं हमको रेड पेन दे दिया जाए ग्रीन पेन दिया जाए कुछ भी दे दिया जाए सबसे लिख लेंगे मार्कर भी दे जाए मार्करों से लिख लेंगे लिखने के लिए लेकिन जानिएगा तब पहले सीखना होगा ये सब चीजें को ठीक है तो दोस्तों इसी तरह से हम लोग डायगोनल स्केल से नक्शा की जांच करते हैं और अगर कहीं पर फॉल्ट होता है तो इस तरह से कैलकुलेशन करके हम चीजों को एनालाइज करते हैं ठीक है अब ये तीसरा नंबर में तो हमें ये करना ही नहीं है कुछ क्योंकि अगर दसों खंड की कुल लंबाई अगर दस जरीब है ही बराबर है तो क्या करना है कुछ नहीं नक्शा ठीक ठाक है नापी कीजिए डायरेक्टली कोई दिक्कत थोड़ी ना है चलिए अब एक ही वीडियो में सारा चीज तो नहीं बता पाएंगे ठीक है बताने के लिए तो भाई अभी दस घंटा भी अगर क्लास चले अमीन का तो भी खत्म नहीं होने वाला है बहुत सारी चीजें हैं यहीं पर यहीं पर बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी लेकिन भैया एक सीक्वेंस से चलिएगा तब ना ठीक है तो उसके लिए अमीन का कोर्स है जमीन नापने वाला कोर्स है उसको करना होगा ठीक है तब सीख जाएंगे बहादुर बन जाएंगे कई लोग जो है पाँच लाख पाँच करोड़ का जमीन दहा देंगे लेकिन पाँच हजार का कोर्स नहीं करेंगे जिससे उनको सीख मिलेगी दुनिया को सिखाएंगे बताएंगे समझाएंगे कहीं पर फैसला भी करने के लिए जानेंगे जाएंगे तो फिर खुद जानेंगे भाई हाँ इस तरह से इस तरह होता है तो ये सब चीज़ें अपने आपको मजबूत बनाइए शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना ज़्यादा पिएगा वो उतना ज़्यादा दहाड़ेगा इसीलिए भैया इस पर ध्यान दीजिए आप ठीक है जबरदस्ती भी नहीं कर रहे हैं अगर रुचि है तब आइए रुचि नहीं है तो जरा सा आने की जरूरी नहीं एकदम नहीं लेकिन अगर आपको लगता है कि भैया हमको ये सब सीखना चाहिए अगर दिल कहता है कि सीख लेंगे तो काम देगा हमको बाद में तो सीख लीजिए क्योंकि यही आपका रियल समय है बाद में समय नहीं मिलेगा ये मत सोचिएगा चलो देख लेंगे दो तो तीन महीना बाद अरे देख लेंगे अरे भाई जो कल करे सो अब करे जो अब करे सो नहीं है जो कल करे सो आज करे जो आज करे से अब पल में पलय होगा बहुरी करोगे कब वही लाल ला है थोड़ा कबीर दास जी को भी याद किया कीजिए ठीक है चलिए खैर हटाइए दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे चीजों को और भी अगर किसी तरह का आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में एकदम बेधड़ल्ले से कमेंट कीजिए और अगर हमें अच्छा लगेगा तो वीडियो आ ही जाएगा तो चलिए आज के इतना ही अब मिलेंगे अगले वीडियो में जय हिंद उपांध्य मातरम